लाइफ में इंग्लिश के बिना तो ना हो पाएगा मतलब एटलीस्ट ठीक है बोलना नहीं आए तो एटलीस्ट समझ आए इंग्लिश तब तक हम लोग वही पढ़े थे कि सेल को कोशिका पढ़ रहे हैं और एक्सेलरेशन को त्वरण पढ़ रहे हैं और बिल्कुल अलग जिंदगी थी मेरे आस वालों से मेरी मैं उनके साथ नहीं कनेक्ट हो पाता था जब मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला था आई वॉज सुपर डिप्रेस्ड मेरी ऐसी जगह जॉब लग गई थी जहाँ पे मुझे जाने ही नहीं था मतलब जिस दिन जॉब वो जॉब का वो दे के आया और मेरा नाम आ गया लिस्ट में ना उससे ज़्यादा दुख मुझे नहीं हुआ ये मैं पहली बार बता रहा हूँ उससे ज्यादा दुख मुझे नहीं होगा लोग मुझे आके मेरे वॉल पे एक हजार कॉमेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशन के हैं मैं आई हेटेड दैट तो यहाँ तक मैंने पाँच साल ना बहुत ना बोले उसके बाद लाइफ में सिचुएशन आ गई कि मुझे हर चीज के लिए हाँ बोलना पड़ा मेरा सबसे बड़ा फियर oh. ही है डर hmm. ही है hmm. कि मैं अब ऑलवेज वंडर्ड What does it take to build confidence from a very young age? that's what we've talked about in today's episode we've talked about how to develop confidence how saying no to things at an early age becomes a curse in life and how do you find out those hacks which can help you keep committed to the process because every now and then we keep feeling like ah oh, i don't want to do this and in today's episode of figuring out we have rishabh jain you might know him as jagruk ajay from Labor Law advisor he graduated from iit bombay and then started working on a few startups which didn't lead him to success but then he and his partner mandeep started with a youtube channel labor law advisor as his family was into labor law consulting for past 40 years now he has built one of the biggest channels on this topic in the country and he's one of the wisest brains i have gotten chance to speak with because the way he's building team the way he thinks about process the way he nurtures people and helps them build confidence is commendable make sure that you watch this episode till the end and keep feeling it हम लोग बात कर रहे थे कि यू वांट टू टॉक अबाउट अ स्टोरी स्पेसिफिक जो आपका पर्सपेक्टिव लाइफ में चेंज किया जिसने स्टार्ट विद वन ठीक है ठीक है कूल तो आई आई टॉक बिट अबाउट माय तो मैं एक जोधपुर uh, सिटी है राजस्थान में uh. काफी छोटी सिटी है uh, वहां पे पला बड़ा हूँ ट्वेल्थ uh, तक कहीं ऐसा ज़्यादा बाहर नहीं गया आई एम नॉट आउट स्पोकन लाइक यू या ऐसा जिंदगी में ऐसा पर्पज़ भी नहीं बनाया कि ये करना है ये करना है बहुत ही सब चीज़ें नॉर्मल ट्वेल्थ तक मैं भी ऐसे ही था सेम इंदौर से बहुत <laughs> <और> नॉर्मल <laughs> लाइफ <laughs> गई है ठीक <laughs> है मैं हिंदी मीडियम में था एक प्रॉपर हिंदी मीडियम गांधी स्कूल जहाँ पे क्लास सिक्स में हमको ए बी सी सिखाई गई थी वो भी इंग्लिश को इंग्लिश नहीं आंग्ल भाषा बोलते थे ठीक है स्कूल में सबसे पहले हमारा काम होता था कि स्कूल में सब जल्दी पहुंचना चाहते थे यू लास्ट वाई क्योंकि स्कूल में जाके झाड़ू लगाना और कचरा उठाना हमारा काम था तो जो लोग जल्दी पहुंच जाते थे उनको झाड़ू मिलता था जो लेट पहुँचते थे उनको कचरा उठाने वाले वो, वो तगारी मिल जाती थी तो यार सब कोई कचरा नहीं उठाना चाहता तो झाड़ू <laughs> तो, तो पहले जल्दी लोग सात बजे क्यों आ रहे साढ़े सात के स्कूल में ताकि झाड़ू मिल जाए झाड़ू अलॉट होता तो वहाँ पे लाइन लगती थी झाड़ू अलॉटमेंट के लिए झाड़ू लगाते थे तो अच्छी स्कूल थी मतलब नो कंप्लेन्स बट इट वॉज अ हिंदी मीडियम स्कूल तो मेरी मदर और एट एर्थ, एर्थ तक मैं वहाँ पे पढ़ा था मेरी मदर वॉज अ कॉन्वेंट एजुकेटेड एंड उन्होंने मेरे जब मैं एर्ट कर रहा था उसके साथ साथ उन्होंने एल एल करी एंड गोल्ड मेडलिस्ट एल एल बी में तो उनको ये पता था कि यार लाइफ में इंग्लिश के बिना तो ना हो पाएगा मतलब एटलीस्ट ठीक है बोलना नहीं आए तो एटलीस्ट समझ आए इंग्लिश तब तक हम लोग वही पढ़े थे कि सेल को कोशिका पढ़ रहे हैं और एक्सेलरेशन को त्वरण पढ़ रहे हैं और बिल्कुल अलग ज़िंदगी थी मेरे आसपास वालों से मेरी मैं उनके साथ नहीं कनेक्ट हो पाता था बचपन में तो फिर भी इतना समझ नहीं आता था जैसे जैसे एट्थ तक आने लगे तब चीज़ें समझ आई तब शी फोर्सड मी कि यार बस एट तक ही है अगले साल चेंज ही करनी है इंग्लिश मीडियम में ही जाएंगे सीधा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाएंगे हम और मतलब आई क्राइड आई डिड एवरी थिंग आई गेव लॉड ऑफ एग्जाम्पल्स के देखो ये भैया भी तो हैं ये तो भैया आई बन गए हमारी स्कूल से ही हैं होते हैं हर स्कूल से ना कोई ना कोई example, कोई ना कोई एग्जाम्पल्स वो वो नहीं मानी और मेरे घर में भी कोई भी सपोर्ट में नहीं था इतना कि ठीक है यार क्या ही फ़र्क पड़ता है हम बाकी सब भी हमारे हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं hmm. क्या फ़र्क पड़ता है बट शी फोर्स मी एंड अब ऐसा नहीं कि सिर्फ फोर्स किया प्रॉपर एक प्लान बना के यार कैसे ट्रांजेक्शन करना है बच्चे को तो दो महीने की समर वैकेशन होती है पहले ऐसा नहीं होता था अभी तो ऐसा होता है समर वेकेशन से पहले भी क्लासेस शुरू हो जाती है hmm. उसके yeah. बाद फिर बीच में वो बिल्कुल बेकार नहीं तो तो समर yeah. वेकेशन के बाद hmm. ही क्लासेस शुरू होती ah, ah. तो दो महीने की समर वेकेशन थी <coughs> उससे पहले हिंदी मीडियम था एट्थ में हमारे बोर्ड हुआ करते थे हिंदी मीडियम में बोर्ड एग्जाम्स दिए बोर्ड में मेरिट वेरिट सब आई बट इंग्लिश मीडियम वॉज एकदम अनदर बीस्ट तो नाइन्थ क्लास में जा रहे थे में जा रहा हूँ मैं जब सारे वो पहली बार फिजिक्स और थोड़ी इंट्रोड्यूस हो रही केमिस्ट्री और हर चीज तो उन्होंने एक सर को फाइ बुलाया मेरे घर पे हर सब्जेक्ट के उन्होंने सर बुला लिए वो सर ऐसे थे जो फिजिक्स जो मेन सर थे फिजिक्स मैथ्स वो उन्होंने भी सेम चीज़ करी है हिंदी टू इंग्लिश हो गए थे तो ही यूज टू टीच मी पहले हिंदी में फिर तो उसी चीज़ का इंग्लिश में कि इसकी इस गति इतनी है इसका त्वरण इतना है तो फाइनली इसकी चाल कितनी हो जाएगी वॉट एवर तो। और फिर उसी को इसको एक्सेलेशन त्वरण त्वरण के करके मैथ्स ऐसी पढ़ाई केमिस्ट्री ऐसी पढ़ाई फिजिक्स पढ़ाई ठीक है हिंदी में मैं अच्छा था हिंदी में जरूरत नहीं हुई

तो दैट गेव मी लॉर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार स्ट्रेटेजिकली कुछ कुछ चीज़ें प्लान करोगे ना तो वो अच्छी हो जाएगी आई वॉज ऑलवेज गुड इन हिंदी तो मैं बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग करता था मैं कविताएं लिखने लग गया नाइन्थ टेंथ के आसपास तब अगेन मेरे पेरेंट्स ने इंक्रेज किया कि यार अपन इसकी बुक पब्लिश कराएंगे और बहुत फाइट मार के उन्होंने कैसे ना कैसे करके मेरी बुक जब मैं इलेवेंथ में आया एलेवंथ के स्कूल शुरू हुई थी अब मैंने एलेवन्थ में और बेटर इंग्लिश मीडियम में चला गया था तब उन्होंने हिंदी की मेरी बुक पब्लिश करवा दी तो मेरी हिंदी कविताओं की बुक इलेवेंथ क्लास में पब्लिश हुई थी विद थर्टी ऑफ माई पोएम्स वाह तो अगेन दैट गेव मी लॉड ऑफ कॉन्फिडेंस कि ठीक है यार अपन पढ़ाई में ठीक है इंग्लिश अपनी उतनी अच्छी नहीं बट अपन पढ़ाई में ठीक है और अपन हिंदी में, हिंदी में, में अच्छा अच्छे बहुत तोड़ है ये सिचुएशन बाद में मेरे लिए जिंदगी में वरदान भी बनी और कर्ज भी बनी वो भी मैं बताऊंगा बट जो आप जो पेरेंट्स ने मुझे बचपन में सपोर्ट किया ना और एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेने के लिए स्ट्रैटेजिकली ट्रांजेशन करवाया अगर तो मेरे जिंदगी का पहला अगर टर्निंग पॉइंट माने कि अगर मैं नहीं गया होता इंग्लिश मीडियम में मैंने ये सब स्ट्रगल नहीं करा होता मेरी बुक नहीं पब्लिश की होती मुझे ये बोलना नहीं आता आज कैमरे के सामने बोलने में कोई शर्म नहीं है बहुत लोगों को होती है स्टेज पे बोलने में कोई शर्म नहीं बहुत लोगों को होती है वो सारे फियर उस एक चीज़ से निकले कि यार एक वो ट्रांजेशन हुआ और उस ट्रांजलेशन के बाद एक चीज़ जिसमें मैं बाकी लोगों से बहुत अच्छा था यार एटलीस्ट रिलेटेड अंडों में काना राजा समझ लो वो था वो हिंदी तो मैंने बहुत सारे स्टेजेस पे परफॉर्म किया है पोएम्स बोली है वो सब चीज़ें करी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग कि मैं यहाँ पे आके कंफर्टेबल हो गया सेकंड वर्ल्ड में और वहाँ पे जो एक चीज़ में अच्छा था वो आइडेंटिफाई कर ली गई और उस पर मुझे एक दो स्टेप आगे जाने का मौका मिल गया विद सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स भैया सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई पेरेंट्स तुम्हारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो उनको अपने बच्चे के साथ एटलीस्ट ये करने की कोशिश करनी चाहिए और आजकल वैसे बहुत करते हैं आजकल सब अपने बच्चों पे इस तरह के दिस नॉट ओनली अ लेसन फॉर पेरेंट्स दिस इज फॉर एवरी फ्रेंड ये हर दोस्त के लिए हर बिजनेस ओनर के लिए कि जो जिनकी तुम केयर करते हो पुट देम अगर उनके लिए कुछ और लाइफ में बेटर है ठीक है भले वो बहुत अनकंफर्टेबल भी हो सो ना अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालो बट एक डालने के बाद एक प्लान और स्ट्रेटजिकली उनकी हेल्प भी हेल्प करो हाँ। हाँ। और थर्ड उनको तुम हेल्प करो कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई करने में जो उनकी स्ट्रेंथ है और उसमें तुम उसको पुश करो ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाए ताकि वो थ्रैश नहीं हो जाए दैट इज वॉट योर पेरेंट्स डेट हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट सो दिस इज फॉर एवरी वन इवन फॉर बॉस फॉर एम्प्लॉज फॉर फॉर फ्रेंड्स हर किसी को हेल्प करनी चाहिए इफ़ यू वॉन्ट अदर पर्सन टू ग्रो दैट्स वन देट्स वन yeah. सिर्फ अनकंफर्टेबल लोगों को पोजीशन में डालने से कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा आपने उसको कुछ प्लान ही नहीं बताया और वो बेचारा बहुत परेशान हो जाएगा अगर मुझे सीधा ही डाल दिया होता और मैं डे वन पे इंग्लिश मीडियम में जाता ना मैं क्लूलेस हो जाता हो सकता है मेरी पढ़ाई पूरी जो एक चीज़ मेरी अच्छी थी वो भी ख़राब हो जाती कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाता नहीं तो मेरे पास एटलीस्ट ये क्या यार देखो मुझे इंग्लिश नहीं आती मैं तुमसे इंग्लिश में उतनी अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा लेकिन मेरे देख लो फर्स्ट तो मैं आया क्लास में तो, तो, at least was <laughs> the हर कोई ये स्टार्ट कर सकता है करना कि आई थिंक जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग होती है ना hmm. लाइफ में वो है कॉन्फिडेंस ठीक है और कॉन्फिडेंस मेरा मानना ऐसा है सब बोलते हैं कि अंदर से आता है अंदर से नहीं आता दिया जाता है अगर आपको कोई अप्रिशिएट करेगा ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट बनता है नहीं तो आप कोई कॉन्फिडेंस नहीं बन आप कुछ नहीं हो कुछ नहीं हुआ तो आप हमेशा क्योंकि आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो कितने ही बड़े बन जाओ आप हर पॉइंट पे अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो कंपेयर कर रहे हो कभी अगर आप पैसे में अच्छे हो तो आप अपने आप को लुक्स पे कंपेयर करोगे आप लुक्स पे अच्छे हो तो फेम पे करोगे फेम पे अच्छे हो तो इंटेलिजेंस पे करोगे इंटेलिजेंस पे अच्छे हो तो किसी और चीज़ पे करोगे बट हमेशा आप कंपेयर करते रहते हो राइट तो आप कॉन्फिडेंस हमेशा देते हो दूसरों को कभी आपके अंदर नहीं आता तो हर इंसान ये स्टार्ट कर सकता है दैट वॉट दे के डूट हुए मीट उनको एक जेनवन बात पर कॉम्प्लीमेंट करो कोई भी एक चीज पे वो ऑटोमेटिकली सामने वाले का इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्ड करेगा कि वो आइडिया ही नहीं कह सकते वो लाइफ भर आपका ऋणी रहेगा कि यार ये चीज़ उसने मेरे लिए क्या सही करी थी इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था उस पॉइंट पे अभी जब हमारा फिनक्लेव इवेंट हुआ था तब अनंत भाई ने शुरुआत में मुझे मुझे याद है मुझे कितना अच्छा लगा कुछ भी नहीं था सिंपल बात ही मुझे मिले थे 2019 में हम में इवेंट में मिले थे उस समय इनके थर्टी कुछ थाउजेंड सब्सक्राइबर्स थे मेरे उस समय सात आठ लाख कुछ होंगे आई डोंट नो मैं इनके पास बैठा और मैंने इनको बोला कि यार दो चार बार बात बोलती मुझे तो याद भी नहीं था कि यार मैंने कहा यार करो करो बहुत अच्छा रहेगा यूट्यूब में आप कर सकते हो मचा सकते हो आपका फाइनेंस इतना अच्छा है ये वो ये वो एंड जो फिनक्ले इवेंट हुआ वेर एवरी वन वॉज प्रेजेंट रचना वगैरह प्रांजल उनके सामने जब स्टेज पर जाके उसने पहली बार ये बात बोली कि आई वॉन्ट टू थैंक माई फादर एंड आई वॉन्ट टू थैंक रिशब फ्रॉम लेबल ऑ एडवाइज़र कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया चैनल को ग्रो करने के लिए आपकी तीसरी बात बाय गॉड मेरे लिए इट इंट कॉस्ट मी पैनी इतनी सी बात उस बंदे को कहाँ लग गई और उसने उसको ले लिया और कॉन्फिडेंस आ गया उसने यूट्यूब बनाया और बहुत अच्छा करने लग गया तो मुझे तो अभी सोचता हूँ गूज बम्स आ जाते हैं कि यार ये दिस इज इज समथिंग मतलब आई डोंट दैट वन वन मोटिवेटिंग लाइन तो ये हमको हर किसी के साथ करना चाहिए हो नेक्स्ट परफेक्ट है यार <laughs> ये, ये, ये तुम तुम्हारी ये खूबी है कि कॉन्वर्जेशन से अगर मैं मैंने सिर्फ कहानी सुनाई मैंने इतनी सोची नहीं जैसे मैंने नहीं सोचा कि हमारे साथ लोग क्यों रुक जाते यू टेक आउट दोज एक्शनेबल आइटम्स दैट्स वाई आई आई थिंक योर पॉडकास्ट इज फेमस बिकॉज तुम उस पूरी कहानी को सिम्प्लीफाई करके तीन पॉइंट बना देते हो कि यार ये दिस इज वॉट इट एक्चुअली इज क्योंकि तुम्हारे साथ सेम कहानी तो नहीं होगी बट ये तीन पॉइंट तुम कर सकते हो थैंक यू सो मच मैं ये ट्राई करता हूँ कि किसी कैसे मैं आसान बना चाहूँ बना पाऊँ लोगों को क्योंकि मुझे डिफिकल्ट चीज़ें समझ नहीं आती एंड मुझे कहानियों से सीखने को बहुत मिलता लाइक आई लव स्टोरीज मैं अगर आप मुझे सिर्फ बोलते ना कि मेरी कंपनी में इसकी वजह से वन पॉइंट वन टू थ्री की वजह से लोग स्टे कर रहे हैं मैं शायद कभी याद नहीं रखता सही बात है बट बिकॉज यू टोल्ड मी ए स्टोरी मैं अब हमेशा याद रखूंगा कि कैसे आपको अनकंफर्टेबल कर रहा था और उसकी वजह से आप इत, इसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांजेक्शन आया राइट सो दैट्स आई फील इट्स ऑलवेज गुड कि हर चीज़ का आपने आपने एक बिल्टअप तो दे दिया उसका कंक्लूजन भी देना चाहिए तो जो मेरी आ, मैं हिंदी में अच्छा था वो मेरे लिए बून भी रहा और कर्ज भी ऐसा क्यों ऐसा क्यों तो जब मैं कॉलेज में गया तो देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज बट मैं कुछ अच्छी पिकी स्टोरी बता रहा हूँ तो जब मैं कॉलेज में गया इट वॉज अ बेस्ट कॉलेज इन इंडिया यू कैन गेट मतलब आई टी बॉम्बे सब कुछ था वहाँ पे मतलब सब कुछ आप जो सोच सकते हो वो वहाँ पे था आपको स्पेस में सैटेलाइट भेजना है तो वर टीम जो स्पेस में सैटेलाइट भेज रही थी आपको ऐसा घर बनाना है जो पूरा पैक करके पेरिस चला गया और पेरिस में डिस्प्ले होगा वो टीम वहाँ पे बना रही थी आपको अंडर वाटर सबमरीन बनानी वो बना रही थी आपको स्पोर्ट्स खेलना है ए टू जेड कोई भी इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स आपको कल्चरल में कुछ भी करना है डांस म्यूजिक आर्ट्स मतलब अच्छी अच्छी जगह पृथ्वी थिएटर में परफॉर्मेंस सब कुछ पढ़ाई करनी है सब कुछ रिसर्च करनी है सब कुछ सब कुछ था वहां पे तो कॉलेज में जब मैं गया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आए कि ये 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 कर लेंगे उसमें से एक हिंदी क्लब भी था तो दैट बिकेम माई ऑब्वियस करते हैं एंड आई सेड नो टू सो मैनी थिंग्स इन माई कॉलेज यार डांस कर ले इस बार चल फर्स्ट ईयर का है, कर ले नहीं यार नहीं यार, यार हम घूमने जा रहे हैं दमन एकदम इम्प्रोम प्लान बन रहा है चल ले नहीं यार क्लास का टाइम हो गया ऋषभ आज कुछ अच्छा कुछ पढ़ना है इंपॉर्टेंट यार चल छोड़ रहा हूँ यार नहीं यार नहीं ठीक ओनली थिंग आई सिंसियरली हिंदी वाला थिंग उसमें मैंने अच्छा किया आई परफॉर्म डिट एनपी सी बहुत सारा अच्छी चीज करी बट उसके बियॉन्ड में अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी नहीं गया एंड नॉट जस्ट चीजें इवन दोस्त जो जो कॉलेज में जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बननी चाहिए एन नंबर ऑफ पीपल के साथ मैं शायद एन बाय फोर से भी नहीं बना पाया होती कम लोगों के साथ बना पाया क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता था खुद से ही क्यार ये चीज़ों में मैं अच्छा नहीं हूँ लोग क्या सोचेंगे लोग क्या कहेंगे एंड जो मैं अच्छा हूँ वो मैं मस्त कर रहा था मुझे ही नहीं पता था उस समय तक क्यार जो मैं अच्छा भी हूँ कर रहा हूँ उसकी लाइफ में वैल्यू कितनी है जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आओगे दिस दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बारह तेरह की बाद जब यूट्यूब वगैरह कुछ ऐसा सीन नहीं था क्यार ये तो ठीक है अभी हो गया बट क्या आप इसको एज अ करियर भी परस्यू कर सकते हो बोलने को वो समय नहीं नहीं क्लियर हुआ एंड फोर फाइव जब मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला था आई वॉज सुपर डिप्रेस्ड मेरी ऐसी जगह जॉब लग गई थी जहाँ पे मुझे जाना ही नहीं था मतलब जिस दिन जॉब वो जॉब का वो देख के आया और मेरा नाम आ गया लिस्ट में ना उससे ज़्यादा दुख मुझे नहीं हुआ ये मैं पहली बार बता रहा हूँ उससे ज़्यादा दुख मुझे नहीं हुआ लोग मुझे आके मेरे वॉल पे एक हज़ार कॉमेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशन के हैं मैं आई हेटेड दैट मुझे जाना ही नहीं था वहाँ पर जिस कंपनी में जाना था वहाँ पर लास्ट राउंड में मैं अटक गया कुछ रीज़न से जहां जहां जा नहीं जाना था वहां पे हो गया मैंने कहा चलो स्टार्टअप करेंगे स्टार्टअप में कुछ चमक ही नहीं रहा है कुछ कुछ आता ही नहीं जिंदगी में क्योंकि कुछ और हाँ, एक्सप्लोर ही नहीं किसी के साथ अपन ने कर लिया स्टार्टअप वो जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं अपने कुछ ओपिनियन ही नहीं है जिंदगी में फिर किसी ने बोला तो यहां तक मैंने पांच साल ना बहुत ना बोले उसके बाद लाइफ में ये सिचुएशन आ गई कि मुझे हर चीज के लिए हाँ बोलना पड़ा ठीक है हर चीज के लिए हाँ बोलना पड़ा कॉलेज खत्म हो गई जिस जॉब में जाना था उसको भी मैं ना बोल के आ गया दिसंबर में ना बोल दिया नहीं आऊँगा मैं आता आऊँगा नहीं ऑफर लेटर भेजा साइन ही नहीं करके भेजा ठीक है तो सब जगह ना बोल दिया अब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब ना बोलने के लिए आपके पास तो कुछ है ही नहीं हर चीज़ के लिए हाँ बोलना है ठीक है अब लेकिन कुछ नहीं, नहीं, नहीं है घर आ जाओ फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो पसंद नहीं आ रहा तो भी हाँ ठीक है क्या ही करेंगे फिर बात आई शादी की शादी कर लेंगे जल्दी करेंगे अब आप ना बोलने के आप सिचुएशन में ही नहीं हो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन हो गया है लॉन्ग टर्म में बट ठीक है जल्दी शादी हो गई uh, किसी मेरे uh, कोई प्रोफेसर ने बोला कि यार सिविल स्ट्रक्चरल में अपन कंसल्टिंग करेंगे uh, मेरे साथ शुरू करोगे ठीक है हाँ कर लेंगे मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें जो मैं सिविल में उतना अच्छा भी नहीं था बिकॉज एवरेज स्टूडेंट तो मैंने वो भी कर लिया धूपों में खड़े रह के बिल्डिंग बनवा रहे हैं ये सब चीज़ें कर ली मतलब और मेरे जब दोस्त अच्छा जॉब पैकेज वैके तो बड़ा वो स्ट्रगल रहता था उसके बाद मेरे कोई सीनियर आए यहाँ तक हाँ बोलने की आदत सी हो गई थी कि यार चलो हर चीज़ के लिए हाँ बोल रहे हैं अब अपन अब अब धीरे धीरे वो चीज़ जो थी जो एक कंपल्शन था वो धीरे धीरे एक आदत में बदल रहा था कि यार हाँ 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 बोल देंगे फिर उसके बाद 2015 में मेरे एक पार्टनर आए बॉम्बे से सीनियर से बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन छोड़ के स्टार्टअप कर रहे थे बोले तू भी करेगा क्या मतलब मुझे बताया आइडिया मैंने बोला मुझे भी करना है आपके साथ ही करूँगा बोले आ जा मेरे साथ तो हमने अपना एटेक वेंचर शुरू किया फंड वन रेज किया बड़ा ये पहली बार मेरा ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस था कि हर चीज़ें सीख रहे हैं पैसा है अब इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है टीम कैसे हायर करनी है जहाँ चालीस पचास हज़ार सुन के ही वो लग जाता था कि यार इतना तो बहुत कमाई हो जाएगी उससे उस, उस पर आप लोगों को हायर कर रहे हो तो बड़ा वो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और आज मैं जब सोचता हूँ कि यार क्या बेवकूफ़ियाँ करी आ, आज आज इतनी आती चीज़ें तो वो नहीं करता मैं गलतियाँ बट एनी आई सेड येस टू दैट फिर दो में आइडिया आया कि चैनल शुरू कर लेते हैं तो आई सेड येस चलो इस कर लेते साइड में चलता रहेगा कोई बात नहीं सो आई आई सेड यस टू सो मैनी थिंग्स टू चेंज थिंग्स फॉर मी पहले मैंने बहुत नो बोला आप जब बहुत नो बोलते हो तो आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो कि आपको हर जगह यस बोलना पड़ता है फिर आपने एक लंबे समय तक बहुत जगह यस ना तब आपका फिर से वो पावर आती है कि आज आप नो बोल सकते हो मैं आज ब्रांड को नो बोल देता हूँ mm -hmm. नहीं करूंगा भाई कोई कॉलेज में मुझे लगता है यार रिकॉर्डेड सेशन है यार नहीं मुझे मजा नहीं आता तो लाइव मज़ा आता है नहीं रिकॉर्डेड नहीं हो पाएगा लाइव कर सकता है तो कर लेते हैं ठीक है मुझे कोई बोलता है यार ये इसमें बहुत पैसा है कर ले मैं क्लियर बोलता तो, हूँ नहीं मैं पैसे के क्लियर कर नहीं, नहीं करना आज मैं वापस उस कंडीशन में आया हूँ जब मैं मिक्सड सिचुएशन में हूँ मैं अपनी बाई चॉइस नो बोल पाता हूँ तो अगर आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए नो 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 बोला ना तो बहुत प्रॉबेबिलिटी ऐसी कि आप ऐसी जगह पहुँच जाओगे जहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए ये बोलना पड़ेगा तो द लेसन आउट ऑफ दिस इज़ कि अगर जब तुम्हारे पास चॉइसेस होती है तब उस टाइम पे तुम सिर्फ ये सोचो कि मुझे जो आता है मैं वही करूँगा जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वही रहूँगा जो चीज़ मुझे लगती है कि मैं अच्छा हूँ तो मैं वही करूँगा और कभी मैं नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करूँगा सिर्फ इस डर से कि क्या उसके रिपीकॉशन होंगे क्या लोग सोचेंगे तो अगर तुम उस टाइम पे हर चीज़ के लिए ना बोलते हो एक पॉइंट आएगा

कि तुम एक्सप्लोर कर रहे हो नई चीज़ें तुम हाँ बोलो ट्राई करो मेरे लिए यू you नो know, ये उल्टा रहा है लाइक एग्जैक्ट उल्टी ओके मैं हर चीज़ में हाँ गया था स्टार्टिंग तो से ओके एंड आई थिंक दैट वॉज द बिगेस्ट अगेन ब्लेसिंग एंड अ कर्स मेरे लिए भी कि मतलब मैं स्पोर्ट्स में था मेरे दोस्तों ने चल वॉलीबॉल खेलते हैं मैं वॉलीबॉल में खेल लिया मैं उधर डिस्ट्रिक्ट तक खेल लिया mm. फिर मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि चलो फुटबॉल खेलेंगे वहां खेल लिया बहुत बकवास था बिल्कुल फेल हो गया नहीं खेल पाया <laughs> फिर मेरे बोला क्रिकेट टी खेलते खेलते हैं मेरा हर छह महीने में एक नया स्पोर्ट खेलता था okay. इसकी वजह से अब हाँ. राइट <laughs> yeah, so हाँ. right? right? की मैं दस स्पोर्ट खेल, खेल सकता हूँ और मैं दस लोगों को कंपनी दे सकता और उनके साथ बस मैं स्पोर्ट खेलने फिट हो सकता तुम्हारी नेटवर्किंग में कितना बहुत ज़्यादा इनफैक्ट मेरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है नेटवर्किंग जिसमें किया है मैंने मैं लोगों के साथ बैठता हूँ फिर बात करता हूँ फिर उनसे पूछता हूँ क्या तुम्हें खेलना क्या पसंद है hmm. कोई बोलता है बैडमिंटन मैं चलो बैटमिंटन खेलेंगे कोई बोलता है स्क्वाश मैं स्कोश खेलेंगे कोई बोलता है क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलेंगे wow. सबसे खेल खेल ऐसे के ऐसे करके मैंने नेटवर्किंग कर ली तो आईव ऑलवेज सेड येस वेदर इज स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज किसी ने बोला स्टॉक मार्केट के बारे में सीख लो फाइनेंशियल मार्केट्स

तो क्यों नहीं था क्योंकि पहली बात तो जैसे तुमने बताया कि यार तुमने बहुत सारे लोगों से मिले जो सक्सेसफुल है उनकी ज़िंदगी में और उनसे सीखने को मिला जब तक आपको वो नहीं मिलता है तब तो खुद से फिगर आउट करना काफ़ी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है यार आपको कोई इंस्पिरेशन ही नहीं आपको पता ही नहीं है जो चीज़ हो सकती है वो आप ख़ुद से दिमाग लगा के कैसे बना सकते आपको पता नहीं है कि यार ब्रांडिंग में फीलेट मॉडल भी करके चीज़ होती है आप करो आपको पता नहीं वीडियो में स्पॉन्सरशिप्स भी ले सकते हैं आप नहीं करोगे आपको पता नहीं आप कोर्सेज भी बना सकते हो आप नहीं करोगे अवेयरनेस ही नहीं तो करेंगे ही नहीं है तो ये समझ आ रहा था कि यार कुछ चाहिए अपने को और फैन फेस्ट होता था, था यूट्यूब का उसमें कोई बुलाता ही नहीं था अपने को टिक जाने के भी टिकट नहीं मिलते थे मुझे भी पता फ्री में भी जा सकते हैं बट कोई नहीं आ, पता नहीं था तो हमने कहा कोई नहीं हम ही करेंगे जयपुर में ही करेंगे तो ये आइडिया आया हमको जब हमारे फाइव के फॉलोअर हुए थे तब हम डिनर पर गए थे टीम के और वहाँ पर कहा कि यार चलो एक करते हैं उस ब्रेन स्टॉम करके नाम भी सोचा थिंक विड थिंक विड करेंगे डोमेन मिल रहा था तो डोमेन ले लिया

तो वहाँ पे याद आया कि यार ये किसी ने बोला यार मुझे याद ने याद है अपन ने ऐसे बोला था और हुआ तो नहीं कुछ तो करना है कैसे करेंगे मैंने कहा इस बार अगर सब तुम बोलो करना है क्या करना है क्या सबको बोले हाँ करना है करना है ठीक तो है अपने अपने सब मोबाइल निकालो डालो अपने मोबाइल में स्टेटस डालो फेसबुक पे या कहीं भी डालो कि हम कर रहे हैं और है ना हमारे उसमें ब्राह्मण भी था ब्राह्मण था एक बंदा उसको डेट्स वेट तो सब पता है हमारे वहाँ सावे बोलते हैं शादी की डेट सावे तो किस दिन बिल्कुल शादी की डेट नहीं वो डेट बता दे तू तो। अच्छा तो उसने कुछ निकाल दी तेईस मार्च हाथों हाथ मैंने कहा सब अनाउंस करो मैं मेरे डाल रहा हूँ लोग तेईस उस समय शायद ये जनवरी की बात है और कि तेईस मार्च को हम थिंक करेंगे और एजेंडा ये है कि आ, सारे टॉप यूट्यूबर्स आएंगे यहाँ पे और आपको सिखाएंगे यूट्यूब वीडियो कैसे बनाना है सब ने डाल दिया अब मैंने कहा यहाँ तो सब फंस गया तो करने ही अब तो ही कर, अब मैंने ही कर दिया इन्होंने भी कर दिया ना सबका आ, सबका स्टेक बाइन आ गया आ, उसके अंदर <laughs> तो अभी मैं एक जॉर्डन बी पीटरसन है शायद आ, नाम सुना उनकी उनकी एक स्पीच सुन रहा था उन्होंने बोला कि यार लाइफ में तुम्हें कुछ भी चाहिए ना बस तुम्हें सिंसियरली आस्क करना है उसके बारे में लोगों के यार ये एक चीज करनी है अब कितनी बड़ी हो सकती है सदगुरु का भी हम जस्ट सुन के आ रहे हैं तो दैट मैन इन अक्टूबर थॉट कैसा सेव सॉयल कुछ बनाना है सिंसियरली और आज 2.8 बिलियन लोग उस कैंपेन को देख चुके हैं मतलब हर देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेके ब्रिटेन के, के प्रेसिडेंट सब जगह सब जगह एम ये सब एक मूवमेंट शुरू हो गया इन लेस देन हंड्रेड डेज सेवेंटी फाइव डेज ही हो शुरू हुए तो बस उन्होंने सिंसियरली बोला उन्होंने बड़ा सोचा सबको बोला ये करना और लोग करते जा रहे हैं आगे से आगे इवेंट्स लाइन अप हो रही है और सब कुछ हो रहा है तो हमारे लिए बहुत छोटी शुरुआत थी बट मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करना है एंड आई सिंसियरली आस्क कि ये करना है एंड हमने डेट अनाउंस कर दी हाथों हाथ भले कितने लोगों ने देखा होगा सौ लेकिन हमने अपने अपने पर्सनल इक्विटी उसमें डाल दी गई यार नहीं करेंगे तो ये उसके बाद फर्स्ट थिंग थी यार हमको जगह फाइनल करनी है तो उस समय अगेन बहुत ही लिमिटेड मतलब लिटरली बहुत लिमिटेड बजट पर हम काम कर रहे थे तो हम जिस वेन्यू पे बुक कराने गए थे वेन्यू के जस्ट बाहर खड़े होके हमने बाइक रोकी मैं और मेरे पार्टनर बाइक पे थे वहाँ पे बाहर बाइक रोकी और डिबेट हो रही है हमारी कि यार उस टाइम तो फैन फेस्ट भी होता है तेईस मार्च के आसपास उन्नीस बीस को कभी फैन फेस्ट होता है अभी अनाउंस नहीं हुआ है बट होता है ये दिस इज ट्वेंटी ट्वेंटी मार्च ओके ओह के तेईस मार्च के आसपास तो फैन फेस्ट भी होता है मैंने कहा hmm. कौन फैन फेस्ट वाला यहाँ आएगा hmm. अलग ही लोग आएंगे कौन से वो उन बड़े बड़े यूट्यूबर के नहीं यार स्पीकर तो ऐसे हो सकते हैं कि वहाँ जा रहे हो अपने यहाँ नहीं आए मैंने कहा यार देख मंदी मजे मत कर अब पच्चीस जनवरी हो चुकी है अब क्या कर सकते आप अब? अब अब दो महीने ही बचे एनी वेस्ट नहीं हो पाएगा क्या करें कि नहीं, नहीं नहीं पहले कर दो पहले कैसे कर दें तो कि सेवन मार्च कर लो वो भी एक और सैटरडे सेवन्थ मार्च कर लो क्योंकि फिफ्टीन का और भी कुछ कुछ था कि होली थी या कुछ था सेवेंथी बच रहा है ऑलरेडी चालीस पचास साठ दिन बच रहे हैं सिर्फ चालीस दिन हो जाएंगे तो एक टिकट भी नहीं बिगा हाँ। कुछ भी नहीं हुआ है पता ही नहीं क्या करना पता ही नहीं है तो नहीं 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 नहीं, नहीं करते हैं, करते हैं ठीक है अंदर गए खाली है खाली था बुक करा दिया तो एकदम वो शिफ्ट हो गया सोच बाईस को क्या हुआ तुझे पता ही ठीक है वो एक और स्ट्रोक ऑफ लक हो गया देन ठीक है धीरे धीरे चीज़ें करते गए मेरे एक दो दोस्त ऐसे फिनोवेशन के प्रसाद है वो वो बोला मैं तो मैं दोस्त आ ही जाऊँगा ऐसा वो भी मैं अलग स्टोरी है कि क्यों उनको जानता हूँ इतना mm -hmm. अच्छा कि मेरे एक कॉल पे आ गए बट देर आर कपल ऑफ पीपल एंड देन सिंसियरली पुश कर रहे थे कि यार हम ये करना चाहते करना चाहते हैं स्पॉन्सर स्टार्टेड कमिंग अब रेड एफ आ गया राजस्थान पत्रिका आ गया राजस्थान गवर्नमेंट ने स्पॉसर कर दिया uh, लोग आने लग गए धीरे धीरे टिकट्स सब कुछ होने लग गए बट राइट बिफोर द इवेंट अराउंड टेन फिफ्टीन डेज अगो माई ग्रांड फादर बिकेम रियली एंड hmm. सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं इवेंट के एक दिन पहले आ जाऊंगा मुझे बाकी सारे कॉलेज के फ्री और ये सब जुड़ जुड़ के कुछ कुछ काम कर रहे थे किसी को पैसा नहीं दिया hmm. पेड नहीं था तो मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा इसको मतलब कैसे करें तो एक आइडिया आया सब जनों को

या बोल रहे इतनी फाड़ इवेंट हो रही इतनी बढ़िया ब्रांडेड हो रही है तो क्या बेकार डिजाइन बना रखी है तो एवरी वन हैड देयर टाइटल्स ऑन मेन वेबसाइट ऑन देयर पर्सनल प्रोफाइल्स कि यार ये मैं कर रहा हूँ इस इवेंट में ठीक है ये दिस 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 इज 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 मी आई एम डूइंग तो ये हमने एक चीज बहुत अच्छी कर दी एंड टच फुट दैट इवेंट वेंट सुपर वेल बहुत मतलब सीखने को मिला कोविड वाला वो बहुत हो गया था कि यार कोविड आ रहा है आ रहा आ रहा है लोग आएंगे नहीं आएंगे सम पीपल केम सम जैसे अमन धत्तरवाल कैंसल लास्ट मोमेंट किया कोविड ओवेंट से हमने बना कर दिया है तो इससे दो कहानी दो चीज़ें हैं कि एक तो आपको सिंसियरली बस बोलना है हमने ऐसा नहीं था कि हमको इवेंट बैकग्राउंड से या कुछ ऐसा है हम किसी यूट्यू YouTube, एक यूट्यूबर को भी नहीं जानते थे किसी को भी नहीं जानते थे कभी ऐसे टिकट बेचे ही नहीं कुछ कभी स्पॉन्सरशिप करी नहीं छोड़ो के बड़े मीडिया हाउस और राजस्थान गवर्नमेंट और कभी कुछ करा ही नहीं बट बस सिंसियरली सोचा मेरा एक थाट था एंड देन टू कॉम्प्लीमेंट दैट देर were ट्वेंटी पीपल जिनके बाइंड थे इसके अंदर क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया कि हम ये करने वाले हैं और हम अच्छा करने वाले अनाउंस कर दिया उन्होंने hmm. दुनिया को बोल दिया कि हम अच्छा करने वाले हैं दुनिया को नहीं उन उन्होंने अपने yeah. सौ लोगों को जो जिनके बारे में वो केयर करते हैं उनके मम्मी पापा उनके इमीडिएट इम, दोस्त उनको पता था कि आर थिंक वुड में ये स्पॉन्सर है वॉलेंटियर है कुछ 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 कर रहा है एंड दीज टू थिंग्स ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर मैं दो दिन पहले आया इवेंट के सब कुछ कर रखा था टीम ने काफी कुछ मतलब सब पोस्टर्स बन गए थे वेंडर फाइनल थे सब कुछ हो गया था और उस इवेंट के एक दिन पहले रात में जब मैंने हॉल देखा मतलब यार लग रहा है कि तो हाँ वर्किंग लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं आने के लिए ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं आ, इवेंट वेंट वेल लोग नैनीताल से टिकट करा के कोई आ रहा है जयपुर में इवेंट अटेंड करने के लिए दो जने कोलकाता से आ गए तीन चार जने मुंबई से आ गए यार ये तो थोड़ा सा खैर एनी वे बट ये दो चीज़ें मुझे उस दिन सिखाई कि जब तक आप अनाउंस नहीं करोगे पब्लिक में यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ आपके ऊपर हम इतने वो सिंसियर नहीं है यार जैसे तो तू बहुत क्लियर है जैसे तो मेरा विजन या ऐसा कर ही दूंगा मैं ज़्यादातर लोगों के साथ वो नहीं होता सिचुएशन थोड़ा क्लैरिटी रहता करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे आपको करना ही है ना अगर आपको बहुत मन है और अभी इस मोमेंट पर मन है अनाउंस इट तो थोड़ा सा एक पीयर प्रेशर बनेगा हेल्प हो जाएगी एंड बस जो भी करना है सिंसियरली पूछते जाओ लोगों से मोर ऑफन देन नॉट आप वो कर ही लोगे अब आपका विजन कितना बड़ा उतना बड़ा भी कर लोगे बस सिंसियरली लोगों से पूछो कि मुझे ये करना है या सो ए आस्क द बिग थिंग विच एवर यू वांट जो बड़ी चीज है वो बिकॉज इफ यू वांट आस्क यू वांट गेट इट और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम बोलोगे तो तुम्हें मिल ही जाएगा दैट इज़ वन एंड सेकेंड इज पुट योर सेल्फ आउट देर एंड पुट एवरी वन उज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आउट देयर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड ताकि उन लोगों को रहेगी अब ये बात मेरी रेपुटेशन की है right. तो मेरी लाइफ का सारा काम लोग मुझे इस चीज़ पर जज करने लग जाएंगे कि यार तू तो ये तो से बोलता है करता नहीं है करता नहीं है तो इट्स बेटर कि तुम वो करो क्योंकि वो मे भी तुम अपने खुद के मोटिवेशन और डिसिप्लिन की ऐसे नहीं करो right. लेकिन तुम वो एम्बेरस नहीं हो इसकी वजह से तुम कर जाओगे बिकाज right. लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती एम्बेस होने की वजह से अबाउट योर ड्रीम्स आउट लाउड

जेनविनली एट दी एंड ऑफ द डे लोग खुद मतलब वो लोग है ना सब सारा काम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड सबसे होता है कि उनके प, वो पब्लिक प्लीजिंग के लिए करते हैं हाँ। तो कितना ही बोले कि मैं पैसे के लिए करता हूँ मैं समाज में ये करने के लिए करता हूँ वो करने के लिए एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन सेकंड इज पब्लिक प्लीजिंग या बोलेंगे कि मुझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता सब है सबको फर्क सको फर्क सबको फर्क पड़ता है इनफैक्ट दे वॉज अ से

सेल्फलेस गुड डीड एंडिसोड इसमें है कि वो अच्छी चीज करती है, तो उसको कोई किसी ने टोस्टर अवन गिफ्ट कर दिया अरे यार बहुत अच्छी बात होगी <laughs> फिर इट्स इसलिए पीपल वेन दे आर लुकिंग फॉर सैटिस्फैक्शन वेन दे लुकिंग फॉर एवरीथिंग एल्स तुम अगर अपने ड्रीम्स बताओगे Hmm. तो ज्यादा चांसेस right. so है सक्सेस के राइट सो दीज वर थ्री योर स्टोरीज एंड अ फाउंडेशन स्टोरी फॉर इट कंक्लूजन में ये है फर्स्ट इज यू हैव टू गेट अनकंफर्टेबल ओके फर्स्ट तुम अनकंफर्टेबल हो और साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी बनाओ लोगों के लिए जिसमें उन्हें कॉन्फिडेंस गेन करने का मिले राइट right. फिर तो उसके बाद यू हैव टू बाइंड जितने लोग तुम्हारे साथ काम करें सबको एक पर्पस हो ग्रोथ मैप दो क्योंकि अगर उनकी अथॉरि उनके पास ग्रोथ मैप है आगे वो क्या करने वाले हैं उनके पास एक पर्पस है और साथ ही साथ अगर उन लोगों को तुम क्रेडिबिलिटी देते हो कि तुम्हारे काम के साथ वो भी बढ़ रहे हैं उनके पर्पज को कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कर, कर रहे हो तो वो हाँ। लोग बढ़ने स्टार्ट करेंगे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज इज दिस दैट यू यू नीड नीड टू टू गिव आस्क आउट इन द वर्ल्ड तुम अगर पूछोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा नहीं और जब तुम जब तुम्हें कुछ काम करना है तो मोर देन मोटिवेशन मोर देन डिसिप्लिन अनाउंसमेंट वर्क्स बेटर क्योंकि अनाउंस करने से बैलेंस होने के तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं

उसका ये होता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए ना बोलता है फिर उसका कुछ हो जाता है वो हर चीज़ के लिए हाँ ही बोलना पड़ता है और mm -hmm. फिर उसकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है सो गिव अलाउ योर सेल्फ टू डू न्यू थिंग्स रिगार्डलेस ऑफ कि तुम्हें वो आती है नहीं आती है एटलीस्ट एक्सप्लोर करो ट्राई कर लो ट्राई कर लो दैट्स इट थैंक यू सो मच थैंक यू